कुरान में सूरे मैदा की आयत नंबर 38 अगर आप पढ़ें तो उसका तर्जुमा है, और चोर मर्द और चोर औरत दोनों के हाथ काट दो। ज़रा सोचिए, अगर आपको पता चले कि अल्लाह ताला, जिसके आगे आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, वो चाहता है कि आपके हाथ ही काट दिए जाएं। BSES की एक वेबसाइट है जिसमें अगर आप अपना जोन और अपना एरिया डालें तो आपको पता चलता है कि आपके एरिया में कितने परसेंट लोग बिजली चुराते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे दरियागंज सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, और ज़रा ये आंकड़ों पे नज़र डालिए, 40%, 50%, 60% टोटल आबादी जो बिजली चुरा रही है। हम लोग अक्सर फिर ये सवाल करते हैं कि तमाम उम्मत मिलके दुआ कर रही है, हम पे एक अजाब भी आया हुआ है, हर जगह हमें मारा पीटा जा रहा है और जुल्म हमारे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, ये अजाब हमसे हट नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि गैर मुस्लिम बिजली नहीं चुराते। अगर आप इसमें कुछ ऐसे एरिया सेलेक्ट करें जो गैर मुस्लिम आबादी से भरे हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ इसी तरह का नंबर दिखेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ। तो वो हाथ जिनको अल्लाह ताला चाहता है कि कट ही जाएँ, वो क्या दुआ में उठेंगे और क्या उनकी दुआएँ कबूल होंगी? जब भी बिजली विभाग के छापे पड़ते हैं हमारे मोहल्ले पड़ोस में, तो कई RWA के लोग, कई वहाँ के बड़े लोग और कई पॉलिटिशियंस हिमायत में खड़े हो जाते हैं, सिफारिश करने लगते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि अपने पड़ोसियों को जो बिजली चुराते वक्त पकड़े गए हैं उनको किसी तरह बचा लिया जाए। और अक्सर ये काम करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत अच्छा काम कर दिया और अपने मुसलमान भाई को एक बड़ी परेशानी से बचा लिया। सही मुस्लिम की एक हदीस पे नज़र डालते हैं। सही मुस्लिम के अलग अलग चैप्टर्स हैं, जिसमें से एक चैप्टर है किताबुल हुदूद, उसकी हदीस नंबर 4187 है, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मखज़ूमी कबीले की एक औरत चोरी करते पकड़ी जाती है। मखज़ूम एक कबीला था सऊदी अरब में, जो कि तीन सबसे बड़े कबीलों में से एक था, सबसे इज़्ज़तदार लोग, सबसे अमीर लोग उस कबीले में हुआ करते थे। तो तमाम कुरैश के लोग उस वक्त जमा होते हैं और वो सोचते हैं कि कौन हिम्मत करेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की और सिफारिश करेगा कि इस औरत को उस सज़ा से बचा लिया जाए। डिसाइड होता है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक सहाबा थे रसूलुल्लाह के, वो रसूलुल्लाह के पास जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जाके सिफारिश करते हैं और रसूलुल्लाह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और वो उनसे बोलते हैं कि क्या तुम एक ऐसी चीज़ की सिफारिश करने आए हो जो अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ जाती है? और फिर वो खड़े हो के तेज़ आवाज़ में, गुस्से में, बाकी सब लोगों को एड्रेस करते हैं कि तुमसे पहले उन कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया गया जिन कौमों ने अपने इज़्ज़तदार बड़े लोगों को सज़ाओं से बचाया अल्लाह के कानून के हिसाब से, और जो छोटे लोग चोरी करते पकड़े जाते, गरीब पकड़े जाते, उनको सज़ाएँ दी। उसके बाद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करते हुए पकड़ी जाए तो मुझे कसम है अल्लाह की कि मैं ख़ुद उसके हाथ काट दूंगा। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर आज के दौर में रसूलुल्लाह यहाँ पर आ जाएं और वो आप और हम जैसे लोगों से मिलें, उन RWA वालों से, उन बड़े लोगों से, उन पॉलिटिशन से जो ऐसे लोगों की सिफारिश करते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं जो एक जुर्म करते हुए पकड़े जाते हैं, तो क्या वो हमसे खुश होंगे या वो हमें देख के भी उसी गुस्से से लाल हो जाएंगे? मेरी तमाम RWA वाले और जो भी बड़े इस वक्त हमारे गली मोहल्लों के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने आसपास के लोगों को सज़ा होने से बचाने के बजाय उनको जुर्म करने से रोकिए। इस वक्त ज़रूरत है कि पूरी उम्मत अपने अमाल दुरुस्त करे। ये कोई आंकड़ा हुआ, 40, 50, 60% लोग अगर बिजली चुरा रहे हैं, तो उस कमरे में, उस हवा में क्या आपके रोज़े कबूल होंगे और क्या आपकी दुआएं और क्या आपकी नमाज़ें कबूल होंगी? हो सकता है ये बात कुछ लोगों को फ़ौरन समझ में आए, और जैसे ही वो कुरान और हदीस की दलीलें सुने वो फ़ौरन अपने घरों से वो चोरी के बिजली के तार फ़ौरन हटा दें। हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ बच्चों को ये बात समझ में आए जो अपने घर के बड़े नहीं हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि वो अपने वालिद से या जो भी घर का बड़ा है, जो भी ज़िम्मेदार है उस चोरी के बिजली के तार को डालने के लिए, उस इक्विपमेंट को लगाने के लिए, आजकल वो इक्विपमेंट्स भी आते हैं जो मैग्नेटिक होते हैं और वो मीटर को रोक देते हैं,
उनसे लगातार गुजारिश करें कि वो फौरन अपने घरों से यह हराम की बिजली के तार हटाएं, और अगर वो नहीं मानते तो बगावत पे उतर आएं, अपना तकिया उठाएं, अपना बिस्तर उठाएं, छत पे जाके सो जाएं और बोल दें मैं इस कमरे में जब तक नहीं सोऊंगा जब तक यहाँ पे चोरी की बिजली का तार नहीं हट जाता। हो सकता है कुछ ख्वातीन के दिमाग में ये बात समझ में आए और उनके अंदर ये अल्लाह का डर आए, और जो घर का बड़ा है वो अभी भी इस चीज़ को समझ ना पाए। उन ख्वातीन से भी मैं यही बोलूँगा कि आप बगावत पर उतरें, क्योंकि जहाँ अल्लाह का हुक्म आ जाता है वहाँ पे न बीवी न बच्चे। जब हम दिन में कई बार अल्लाहु अकबर बोलते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो वाकई में हमारी ज़िंदगी में अल्लाह सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके उसके अहकाम सबसे बड़े होने चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हो सकता है आपके शेयर करने से कोई एक परिवार इस बड़े गुनाह से बच जाए, हो सकता है उसका सवाब आपको भी मिले और हमको भी मिले। लेकिन आइए मिलके अपने अमाल दुरुस्त करना शुरू करें, और ताकि हमारी दुआएं कबूल हों, और ताकि ये सब अजाब जो हम पे जुल्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको भी और हमको भी, वो कम होने शुरू हों। क्योंकि जब अल्लाह की सचमुच मदद आएगी, जब हमारी दुआएं कबूल होंगी, तब सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तब ना कोई हमसे नफ़रत करेगा और ना कोई हम पे जुल्म करेगा। इस वीडियो को शेयर करें।